यार मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ. फिलहाल मैं एक्चुअली जब अभी लंदन गई थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाई, तो मुझे लास्ट के 10-15 दिन में क्या हो रहा है इतना आइडिया नहीं है. बट हाँ मैं एड्स वगैरह और ट्विटर पे थोड़ा बहुत देख लेती हूँ. मुझे ऐसा आई डोंट नो कौन जीतेगा, बट आई थिंक सबसे स्ट्रांग जैसे सबको पता है विकास हिना और शिल्पा है, एंड आई एम श्योर टॉप थ्री में भी वही तीनों होंगे. यार कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा बिकॉज आई डोंट नो, फॉर मी इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. मुझे नहीं पता है, शायद आप लोगों को पता होगा. विकास बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मतलब बहुत सुलझे हुए मुझे लगते हैं वो. बहुत करेक्ट तरीके से उनको जहाँ पर जो बोलना होता है वो वहीं पर उतना बोलते हैं, एंड आई थिंक बहुत करेक्टली रिएक्ट भी करते हैं. सो ही इज़ वेरी स्ट्रांग, मुझे वो अच्छे लगते हैं, एंड जिस हिसाब से वो अपनी पूरी गेम प्लान करके खेल रहे हैं, सो आई थिंक इट्स रियली नाइस. एंड शिल्पा और हिना भी अच्छा खेल रहे हैं. यार मुझे नहीं पता बिकॉज बाहर से देखना आई थिंक इट्स रियली यू नो वेरी इजी टू जज और कमेंट करना बहुत इजी रह जाता है, इजी हो जाता है. जब तक आप उस बंदे के साथ रहोगे नहीं या उस बंदे या बंदी के साथ रहोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन फेक है कौन रियल है. सब लोग आई डोंट थिंक कि यू नो आप 4 महीना रह रहे हो और यू नो तब तक आप अपनी फेक इमेज बरकरार रख सकते हो. तो बट आई रियली डोंट नो कि कौन फेक है. मैं क्योंकि उनके साथ नहीं हूँ तो मैं उस बारे में नहीं बता पाऊंगी. इन फ्यूचर अगर आपको चांस मिले तब जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी. अगर सलमान खान पर्सनली आपको बोले तब? सी फिलहाल मेरा डिसीजन है बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी, बट यू नो दे ऑलवेज से दैट नेवर से नेवर, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, सो लेट्स सी.